हाय शख्स, पैंडेमिक में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कोई घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहा था, तो कोई थाली पीट रहा था। वही हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी लंदन बबल को की 126 फ्रेंचाइजी की एस्टैब्लिश डेजर्ट कैफे बंद हो चुकी थी। जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे पास क्या था? 30,000 किलो आटा और 8,000 किलो चॉकलेट का स्टॉक। इसको देखकर मैंने बोला, आटा माजी सटकली। अगले दिन अपने दिमाग पे आइडिया आया। और हमने हमारे ब्रांड को रीइन्वेंट किया, लेके आए लंदन बबल को का 2.0 वर्जन, और हमारे कैफे को ले आए आपके घर। हाय शख्स, मैं हूँ दर्शन शेट्टी, और मेरा नाम है मुस्तकीन शेख। हमें लंदन बबल कंपनी जो बनाता है आपके घर को कॉर्डिनेट, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट वॉफल एंड पैनकेक प्रीमिक्स, जो आपको देते हैं आपके घर बैठे इंटरनेशनल स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के स्वादिष्ट आहार सिर्फ 2 मिनटों में। काटो, गोलो और पका लो। ओह, पकाने से याद आया, क्या आप और हम बोर और पक चुके हैं वही तीखे नमकीन खाकर? इसीलिए हम लाए हैं स्वीट सेवरी यानी वॉफल चिप्स, जो मिलते हैं 5 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में, और स्प्रेड्स जो अवेलेबल है 8 डिफरेंट फ्लेवर्सों में, जिसे आप ना कि डिप बल्कि आप अपने ब्रेड और रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। और पता है शख्स, सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% वेज हैं। हमने हमारे कंपनी का गियर 2020 में चेंज किया, और आज हम 4 सिटीज, 800 स्टोर, ई कॉमर्स और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा विजन है कि हम स्वीट सेवरी कैटेगरी के सबसे बड़े कंपनी बनना चाहते हैं, इसलिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीज फॉर 5% ऑफ इक्विटी। सुपर दर्शन और मुस्तकीन, बहुत ही बढ़िया पिच था आपका। थैंक यू। और मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊं कि यू नो, मेरी लाइफ और मेरे हस्बैंड की लाइफ इतनी बिजी होती है कि संडेज आर वेरी स्पेशल, और हमारा एक रूल है कि हमारी फैमिली 4 ऑफ अस साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और मैं बहुत देसी हूँ, मुझे मेरा पोहा, उपमा, डोसा ये पसंद है, लेकिन मेरे जो 2 बेटे हैं, हर संडे वॉफल और पैनकेक बनता ही है। और जैसे कि आपने बताया, व्हिप्ड क्रीम, स्प्रेड्स, फ्रूट ऑन टॉप, आई मीन जिस तरह से वो अपने वॉफल और पैनकेक को सजाते हैं, सम ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज एज अ पेरेंट आर एसोसिएटेड आपके वॉफल्स और पैनकेक्स के साथ। इसलिए आपकी पिच ब्रॉट अ बिग स्माइल टू माय फेस। थैंक यू। वैल्यूएशन नेगोशिएट कर लो। कैफे जी, उसको कैसे शट डाउन किया? फ्रेंचाइजीज का क्या हुआ? मैन पावर का कैसे था? 292 एम्प्लॉइज थे हमारे, जो 126 स्टोरों में अवेलेबल थे, प्लस रेंट्स बहुत हाई थे, एंड लैंडलॉर्ड्स रेंट को कम करने के लिए कहीं पर तैयार नहीं हुए थे। तो ये सारा चीज जो है हमारे पे माउंट हो गया, एंड देन वी डिसाइडेड टू लूज, जहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोला कि हम एक ब्लॉक लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस करके हम क्लोज करना शुरू करते हैं। कैसे सोचा कि चलो हम कैफे से प्रोडक्ट को पिवट करते हैं, और प्रोडक्ट में ये कॉन्टिनेंटल फील इंडिया को लाते? जैसे लॉकडाउन हो गया और 30,000 किलो आटा हमारे पास पड़ा था, हमें पता था कि हमें या तो माल बेचना है क्योंकि लाइक कैफेज तो खुलने नहीं है, या हमें उसको डेड स्टॉक करके आउट करना होगा। तो उसी दौरान हमने हमारी मीडिया टीम को बोला एक अच्छी पैकेजिंग डिजाइन करें, और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिसने पैकेजिंग को एसेंशियल कैटेगरी में रखा था, तो पैकेजिंग चालू थी। तो हमने हमारी डिजाइन पैकेजिंग को भेजा, 25 दिन में हमारे ये छोटे पैकेज बन के आ गए। तो हमने कई लोगों को डेली वेज पे रखा और उसे पैक करने लगे। अब हमने मॉडर्न रिटेल को अप्रोच किया, और एक मॉडर्न रिटेलर ने हमारा ऑलमोस्ट सारा माल खत्म कर दिया। वाओ, वाओ। दर्शन, मुस्तकीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 है सर। आपकी 30? तो आपने 150 के आसपास नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया यार ये उम्र में? कितने साल लग गए, और कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया, उसकी कोई कहानी होगी? मैं लंदन से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो लंदन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब जगहों पे आप जाते हो तो ये एक बिंज ईटिंग स्नैक हुआ करता है, जहाँ पे आपको वॉफल मिलते हैं। हम दोनों का फूड को लिए एक पैशन हुआ करता था। हमारे अंदर 2013 से ये था कि कुछ फूड में ले आना है,
तब जाके हमने ये लंडन बबल कंपनी को इम्प्लीमेंट किया। आप दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक चौल में रहते थे जहाँ पे हम दोनों की पैदाइशी हुई है। आप चौल में बड़े हुए? जी सर। वेरी गुड। और सर कार्डिफ पहुंच गए, कमाल है। टेडी का एक डायलॉग है, आपने रॉकेट को देखा है ऊपर जाते हुए? हाँ जी। तो क्यों जाता है ऊपर? जब उसके पीछे आग लगी होती है ना, इसलिए वो ऊपर जाता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। मैं नोट कर लेता हूँ आगे काम। वेरी नाइस। अमन, मैं फ्रेंचाइजी वाला हूँ, शायद इसकी भी रॉयल्टी ले लूँ। ट्रू एंटरप्रेन्योर, ट्रू एंटरप्रेन्योर। पर आपने जैसे कोविड में टर्न अराउंड किया अपने बिजनेस को, ये बहुत बड़ा स्किल सेट और कल्चरल वैल्यू है आपकी, इसको आपको रिटेन करना चाहिए। बिल्कुल। लाखों कैफेज थे जो कोविड के टाइम बंद हो गए। बिल्कुल। उसमें से आई थिंक 1% भी नहीं होंगे जो इतना सॉलिड पिवट, जिसको बोलते हैं अपना बिजनेस चेंज करके, रीब्रांड करके, रीपैकेज करके स्केल कर पाए। तो वेरी इंप्रेसिव। ये फ्रेश मेड पैनकेक है। Oh, wow. ये हमारा ऑरेंज किटकैट स्प्रेड है, ये डार्क बाउंटी स्प्रेड है, ये हमारा डार्क वॉफल चिप्स है, एंड ये क्लासिक वॉफल चिप्स। ओके, तो ये दोनों एंड ये दोनों पैकेज फॉर्म में बिकते हैं, फॉर्म में है, और ये आपके क्या है? अच्छा, ये आपके उससे बनाते, बैटर से बना सकते हैं। पैनकेक इज वेरी यम। फैंटास्टिक। थैंक यू गाइस। थैंक यू अनुपम। मैंने खाया, सारे खा गई वो। This is सच में that बस बैटर लेके जैसे बेटी क्रॉकर का होता है बना दिया, right? No effort added. ये है हमारे delicious pancake and waffle premixes. अगर आपको बनाना है पैनकेक तो आपको मिक्स करना है वाटर एंड मिल्क, अगर आपको बनाने हैं वॉफल्स तो आपको सिर्फ मिक्स करना है इस बैटर के साथ वाटर। पहले आपको अपना बैटर निकालना है, उसके बाद आपको मिक्स करना है वाटर, और इसमें थोड़ा मिक्स करना है आधा क्वांटिटी मिल्क। इसे ऐसा विस्क करना है ताकि एक भी लंप आपके बैटर में दिखाई ना दे। उसके बाद ये बैटर को एक प्रीहीट पैन के ऊपर डाला जाएगा और इसे बेक टाइम दिया जाएगा करीबन 2 मिनट। जैसे आप बबल्स देख लेंगे पैन के ऊपर, पैनकेक रेडी हो चुका है, और एक स्पैचुला के जरिए आपको उसको पलट देना है और उसको सिर्फ 1 मिनट रखना है पलटे हुए और निकाल देना है। आप गार्निश कर सकते हो चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, न्यूटेला, स्प्रिंकलर्स के साथ। आपका डिलीशियस, यमिलीशियस, स्वादिष्ट पैनकेक रेडी है। मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में पोहा, परांठी, इडली, सांभर, डोसा, ये सब बनाते हैं। हमारी इंडियन डाइट के हिसाब से, ये तो क्योंकि यू नो यूएस में रह चुके हैं 8 साल, बट इंडियन डाइट के हिसाब से वॉफल नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए हम नहीं खा सकते। आप एक प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी तरह खा सकते हैं। शाम के वक्त अक्सर ये हो जाता है, भाई भूख लगी है मैगी दे दो, तो उसी तरीके से आप इसको पैनकेक को खाली काटो, घोलो और पका लो। वो बनाना कोई डिफिकल्ट एंगल नहीं है, इसीलिए आप उसको स्नैक्स की तरह कहीं पर भी और कभी भी यूज कर सकते हो। तो आपको लगता है आगे जाके पैनकेक्स हमारे ब्रेकफास्ट का स्टेपल डाइट हो जाएगा? ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में डेफिनेटली इसको प्रेफर करना शुरू कर देंगे। मैं एक और चीज पूछता हूँ। हम लोग मेरे फ्रेंड के घर पे थे, मेरी डॉटर ने एक ऑर्डर किया यही मिनी पैनकेक्स, उसकी मॉम ने बोला आप 3 से ज्यादा मत खाना। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं खा सकते, तो उसने बोला नहीं इतना हेल्दी नहीं होता। तो ये बात भी सच है कि पैनकेक्स नॉर्मली लोग हेल्दी नहीं समझते। मॉम का कहना ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि लिए बच्चों को शुगर स्पाइक होता है ज्यादा खाने से। बट ये हम फार्मा शुगर यूज करते हैं। फार्मा शुगर कोई भी शुगर हो, शुगर स्पाइक तो होगा। प्लस मैदा होता है। मम्मी, मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको रोज पैनकेक खाना होता है। वो रोज सुबह उठ के बोलता है मुझे पैनकेक खाना है, उसके साथ सिरप होता है। बहुत अनहेल्दी है, मतलब आई नो उसको चाहिए रोज, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पर अनहेल्दी तो है। मेरे पास ग्लूटेन फ्री ओट्स एंड मल्टीग्रेन वाला भी बैटर अवेलेबल है जो मैं आगे चल के लॉन्च कर सकता हूँ। आप हेल्थ एंगल पे जाओ ही मत ना, टेस्ट पे फोकस करो और मासेस को एजुकेट करो। हेल्थ से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? नॉट एवरीथिंग हैज टू बी हेल्दी। और लोगों का चॉइस है ना, खाना है नहीं खाना। सेल बता दो आप अपनी। पिछले महीने की 11 लाख रुपए की सेल किया। कहाँ सेल किया ये? सर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू मैंने सेल किया हूँ, जैसे कि मुंबई, गुजरात, कोलकाता एंड बैंगलोर। लेकिन इतनी कम क्यों है अगर आप 800 स्टोर्स में हैं? बिकॉज हमने 3 महीने 4 महीने पहले
रियलाइज किया कि हमारा ब्रांड एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है, इसलिए हमने हमारी फैक्ट्री को और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया। हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस तरीके से किया ताकि हमारा सेल ऑर्डर और फास्ट निकला जाए। साउथ के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो हमारी प्रोडक्ट चाहते हैं, बट उनका जो पहला ऑर्डर है ठीक है वही ऑर्डर ही 30 लाख रुपए का ऑर्डर है। उनको हम 30 लाख रुपए का केटरिंग दे नहीं सकते, हमारा उतनी बैकअप सपोर्ट ही नहीं थी, और उसके देने के लिए भी हमारे को जो टेट दिया गया था वो 11 दिन का था। 11 दिन में मैं उतना बड़ा माल बना ही नहीं पाऊंगा। वो रियलाइजेशन से हमने डिसाइड किया कि हमारा बैकएंड सपोर्ट पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, ना कि सेल्स के लिए भागा जाए। एक बार हमारा भी ये जो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन ओनली सेल्स के लिए, हमें प्रोडक्शन की चिंता नहीं है। हमारी कैपेसिटी होती थी 2000 पैकेट दिन के, इसलिए हमने इसको एनहेंस करके अप कर दिया है 45,000 पैकेट्स पर डे। उससे पहले कितनी सेल थी? उसके पहले हमारी सेल थी 19 लाख रुपए। आई थिंक पैनकेक और ये वॉफल्स डेफिनेटली एक ग्रोइंग मार्केट है, आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है। समहाउ मुझे आपकी स्टोरी में थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग ज्यादा एंड ट्रांसपेरेंसी कम लगी है, मुझे कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। आई एम आउट। अगर हमें ये प्रोडक्ट मासेस तक लेके जाना है, ईटिंग वॉफल्स पैनकेक घर पे खाना एक प्रैक्टिस बनानी है, तो आप ये मासेस को कैसे एजुकेट करेंगे? देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जैसे हम डेवलप करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, टेलीविजन एड्स, पोस्टर्स, ये सब बताना है कि आप आज पैनकेक बना के आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, आज आप शाम को बैठे बैठे मैगी के बदले आप ये भी खा सकते हो, और कन्वीनियंस के सिर्फ पानी डालना है बस। यस, कंज्यूमर को पता चले कितना आसान है। आप कर पाएंगे? यस, कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, चलो तो मैं ऑफर देती हूँ आपको। आपको कॉन्फिडेंस हो ना हो इनको पूरा था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि साथ में हम ये ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया इज रेडी फॉर इट, और इसमें हेल्थ एंगल नहीं लाना है। इंडल्जेंट फूड कैटेगरी में इसको हम डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि आपका सेल्स है 1 करोड़ राइट, एंड D2C में यूजली 3 to 5 times सेल्स होता है, तो मैं आपको अपर लिमिट देती हूँ 5 times सेल्स। ठीक है, तो 5 करोड़ का वैल्यूएशन देती हूँ, जो हुआ 75 lakhs एट 15% इक्विटी। मुझे क्या लगता है ना, देखिए आप लोग इतने टाइम से इतने अरसे से लग के काम कर रहे हो साथ में, आप में दृढ़ता जरूर है, लेकिन इसको अभी तक आप कुछ तोड़ नहीं पाए। 11 लाख बहुत कम नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको होल्ड बैक कर रहा है, उसमें गौर कीजिए आप। बाकी आई विश यू द बेस्ट, आई एम आउट। एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोग अच्छे हो, सॉलिड हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकफास्ट रेगुलर स्नैक बन पाएगा आगे जाके, तो मैं आउट हूँ। ठीक है, थैंक यू। यू नो आप में क्वालिटी सारी ठीक है, आप कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, आपने एजिलिटी भी पूरी है, कोविड में जैसे आपने टर्न अराउंड किया है, हंगर एंड फायर है, जुगाड़ू भी पूरे हो आप, तो आप बड़ा बिजनेस बना लो। जो ऑफर आपको नमिता ने दिया है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से काफी रिच ऑफर है, कुछ भी करके इस वैल्यूएशन के आसपास भी मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। मेरा चेक रेडी है, जल्दी डिसीजन लीजिए। ले ले। नमिता, हमारा ऑफर ये है कि हम वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट हमारा एक छोटा सा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बट हमें अगर डेट और मिल सकता है तो हम एक और स्टेट और सिटी ये पैसों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुनिए, मेरे इतने बैंकर्स के साथ कनेक्शन है, आपको डेट दिलवाने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डेट हम दिलवा देंगे आपको, अब ये तो खत्म करो। तो वो तो होता रहेगा ना, वंस वी बिकम पार्ट ऑफ द लंडन बबल फैमिली। ठीक है, हमें एक्सेप्ट ये ऑफर। दिस इज फॉर माय वीरू एंड जय। थैंक यू, दिस इज गोइंग टू बी अ फन प्रोडक्ट। अब 11 लाख सेल से कुछ नहीं होगा। लंदन बबल को। वेल डन गाइस, बेस्ट।